श्वेत बटन खुम्भ को उगाने की विधि। श्वेत बटन खुम्भ को कमरों में कंपोस्ट अर्थात एक विशेष प्रकार की खाद पर प्लास्टिक के थैलों अथवा प्लास्टिक की चादरों पर उगाया जाता है। बटन मशरूम को उगाने के लिए ठंडी जलवायु यानी 14 से 18 डिग्री सेल्सियस तापमान, भरपूर नमी तथा स्वच्छ हवा की जरूरत होती है। इसीलिए इसकी खेती हिमालय की पहाड़ियों तथा उत्तर भारत के मैदानों में शीत ऋतु में काफी प्रचलित हो रही है। इस खुम्भ की खेती के चार प्रमुख चरण हैं: बीज तैयार करना, खाद बनाना, आवरक मिट्टी तैयार करना, फसल प्रबंध एवं कटाई। मशरूम का बीज, जिसे प्रायः स्पान के नाम से जाना जाता है, भारत में मुख्यतः गेहूं के दानों पर तैयार किया जाता है। पूरी तरह विकसित बीज सफेद एवं रेशेदार दिखता है और उसमें कोई भी काला या रंगीन धब्बा नहीं होता है। बटन खुम्भ के लिए खाद तैयार करना। बटन खुम्भ के लिए खाद का निर्माण विभिन्न प्रकार के जैविक एवं अजैविक पदार्थों जैसे गेहूं या धान का भूसा, मुर्गी की खाद, यूरिया, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, चोकर, म्यूरेट ऑफ पोटाश, जिप्सम तथा SSP से किया जाता है। खाद निर्माण की दो विधियां प्रचलित हैं, लंबी विधि और छोटी विधि। लंबी विधि से खाद पूरी तरह खुली जगह में बनाई जाती है और इसमें 24 से 28 दिन लगते हैं। भारत में लंबी विधि से खाद बनाने का एक प्रचलित फार्मूला यहां दिखाया गया है। गेहूं या धान का भूसा 1 टन, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट 30 किलो, यूरिया 10 किलो, सुपरफास्फेट 10 किलो, म्यूरेट ऑफ पोटाश 10 किलो, चोकर 50 किलो और जिप्सम 40 से 50 किलो। सबसे पहले गेहूं के भूसे को फैला देते हैं और 2 दिनों तक भिगोते हैं। इस क्रिया से भूसा एक समान गीला हो जाता है। गीले भूसे का ढेर बनाने से 1 दिन पहले कैन, यूरिया, SSP, MOP तथा चोकर को गीला कर एक मिश्रण बना लेते हैं और उसे गीली बोरी से ढक देते हैं ताकि उसमें से अमोनिया गैस बाहर ना निकले। रात भर में सभी अजैविक खाद घुलकर चोकर द्वारा सोख लिए जाते हैं। अगले दिन इस मिश्रण को गीले भूसे में मिला दिया जाता है। अब फट्टों की सहायता से 1.5 मीटर ऊंचा और 1.5 मीटर चौड़ा ढेर बना लिया जाता है। इस ढेर को रोजाना पानी छिड़क कर 5 दिन तक गीला रखा जाता है, जिसके फलस्वरूप इसमें सूक्ष्म जीवियों द्वारा किण्वन की प्रक्रिया तेज हो जाती है। तत्पश्चात ढेर को बार बार पलटाई देकर नया ढेर बनाया जाता है ताकि ढेर के भीतर वायवीय परिस्थितियां बनी रहें। ये पलटाई 6वें, 10वें, 13वें, 16वें, 19वें, 22वें और 25वें दिन की जाती है। ढेर के भीतर तापमान शुरू में बाहर के तापमान के बराबर रहता है, परंतु धीरे धीरे बढ़कर 3रे दिन तक 65 से 70 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। तीसरी पलटाई के दौरान भूसे में जिप्सम मिलाते हैं। 7वीं पलटाई के बाद भूसे में अमोनिया की उपस्थिति की जांच करते हैं और अमोनिया मुक्त होने पर ढेर को तोड़कर ठंडी खाद में बिजाई कर देते हैं। अच्छी तरह बनाई गई खाद 68 से 72% नमी युक्त, 7.2 से 7.8 pH, गहरा भूरा रंग, चिपचिपाहट रहित, मीठी महक वाली और बीमारी एवं कीटाणु रहित होनी चाहिए।
छोटी विधि से खाद केवल 16 से 18 दिनों में तैयार हो जाती है। इसके दो चरण होते हैं, बाहरी चरण और भीतरी चरण। इस विधि को प्रायः बड़े उत्पादक ही प्रयोग में लाते हैं। इसके लिए पैश्चराइजेशन चेंबर, ब्लोअर या पंखा तथा बॉयलर की आवश्यकता होती है। छोटी विधि की खाद के लिए भारत में प्रचलित एक फार्मूला, गेहूं का भूसा 1 टन, मुर्गी की खाद 400 किलो, यूरिया 14.5 किलो, चोकर 72 किलो, जिप्सम 30 किलो। बाहरी चरण में गेहूं के भूसे को अच्छी तरह गीला कर लेते हैं, बाद में उसमें मुर्गी की खाद एवं चोकर मिलाकर एक 50 से 60 सेंटीमीटर मोटी परत बना देते हैं, जिसके फलस्वरूप उसमें किण्वन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। 2 दिन बाद इस ढेरी की पलटाई कर देते हैं और आवश्यकता अनुसार पानी छिड़क कर दोबारा बना देते हैं। अगले 2 दिनों के बाद यूरिया डालकर एक सघन ऊंची वायवीय ढेर बना देते हैं। तत्पश्चात इस ढेर की नियमित पलटाई की जाती है, जैसा यहां दिखाया गया है। तीसरी पलटाई के समय जिप्सम डाला जाता है। भीतरी चरण के दौरान खाद सामग्री को एक विपुल कक्ष या टनल में भरकर 7 दिनों तक अनुकूलन एवं पास्तुरीकरण किया जाता है। इसके लिए दरवाजे तथा रोशनदान बंद कर दिए जाते हैं और पंखा चला दिया जाता है। फलस्वरूप पूरे कंपोस्ट का तापमान एक समान 45 डिग्री सेल्सियस पर आ जाता है। इसके बाद टनल में भाप डालकर और रोशनदान खोलकर खाद का तापमान 48 से 52 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाया जाता है और अगले 2 दिन तक खाद का अनुकूलन किया जाता है। तत्पश्चात तापमान 59 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाकर 6 से 8 घंटों तक खाद का पास्तुरीकरण किया जाता है। अगले 2 दिनों तक भरपूर हवा डालकर तापमान को कम करते हैं, जिससे अमोनिया की महक खत्म हो जाती है। तत्पश्चात बाहर से स्वच्छ हवा डालकर खाद को ठंडी कर बिजाई के लायक बना दिया जाता है। पूरी तरह तैयार खाद गहरे भूरे रंग की होती है और इसमें पर्याप्त मात्रा में सफेद कवक तंतु दिखाई देते हैं, जिन्हें फायर फैंग्स कहा जाता है। अच्छी खाद में 68 से 72% नमी होती है, जिसकी जांच मुट्ठी में दबा कर की जा सकती है। तैयार खाद को बक्सों में, थैलों में या क्यारियों में भर दिया जाता है और प्रति क्विंटल खाद में 500 ग्राम स्पान डालकर इसकी बिजाई कर दी जाती है और उन्हें स्पान विस्तार कक्ष में 25 डिग्री सेल्सियस तापमान पर रख दिया जाता है। क्यारियों में खाद का तापमान 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास रखने से खाद में 12 से 14 दिनों में कवक जाल का फैलाव पूरा हो जाता है और खाद में सफेदी आ जाती है। अब इन थैलों में आवरक मिट्टी डाल सकते हैं। आवरक मिट्टी तैयार करने की विधि। आवरक मिट्टी बागान की मिट्टी तथा सड़ी हुई गोबर की खाद को बराबर मात्रा में मिलाकर बनाई जा सकती है। इस मिश्रण को फार्मेलिन अथवा भाप से उपचारित कर जर्म रहित किया जाता है। फार्मेलिन उपचार के लिए 4% फार्मेलिन का घोल का छिड़काव कर केसिंग मिट्टी को प्लास्टिक की चादर से लगभग 1 सप्ताह के लिए ढक देते हैं। इस मिश्रण का पीएच 7 से 7.5 के बीच होना चाहिए, अन्यथा चाक पाउडर या जिप्सम डालकर
इसका पीएच स्थिर किया जा सकता है। क्यारी में स्पान वृद्धि पूर्ण होने पर फलन पैदा करने के लिए आवरक मिट्टी डालना आवश्यक होता है। इसके लिए क्यारी की सतह को बराबर कर लिया जाता है और एक लकड़ी के मापक की सहायता से 4 से 5 सेंटीमीटर मोटी आवरण मिट्टी की एक समान परत डाल दी जाती है। आवृत थैलों को फसल कक्षों में एक चौकठे पर रखकर नियमित रूप से पानी का छिड़काव किया जाता है। कमरे का तापमान 25 डिग्री सेल्सियस एवं आर्द्रता 90% के आसपास रखी जाती है, जिसके फलस्वरूप कवक जाल आवरण परत में फैलने लगता है। 7 दिनों में कवक जाल आवरक परत में पूरी तरह फैल जाता है और तब तापमान को 14 से 18 डिग्री सेल्सियस तक कम करके भरपूर स्वच्छ हवा डाली जाती है, जिससे क्यारियों में फलन प्रारंभ हो जाता है। साधारणतया आवरक डालने के 10 से 15 दिनों के बाद खुम्ब की कलिकाएं निकलने लगती हैं, जो अगले 3 से 4 दिनों में विकसित होकर बटन का आकार ले लेती हैं और कटाई के योग्य हो जाती हैं। मशरूम का फलन 40 से 50 दिनों तक चलता रहता है और 7 से 10 दिनों के अंतराल पर कई फलन चक्रों में पूरा होता है। साधारणतया 4 से 5 चक्र ही आर्थिक दृष्टि से लाभप्रद माने जाते हैं। कटाई के उपरांत खुम्बों की छटाई की जाती है और 0.05% पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइट के घोल में उन्हें धोकर प्लास्टिक के छिद्रयुक्त थैलियों में भरकर बेचा जाता है।